एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना और नट्स मिल्कशेक नट्स के साथ। ये देखिए, मैंने ये सोक किया हुआ है बादाम को और किशमिश को। पहले मैंने पानी में सोक किया बादाम को, उसको छीलने के बाद मैंने 2-3 चम्मच दूध में इसको रख दिया ताकि वो सूखे नहीं। ऐसे ही किशमिश को भी हमने अच्छे से वॉश करके ऐसे सोक कर लिया है। ये हनी लिया है हमने, शुगर हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं। कुछ पिस्ता है गार्निशिंग के लिए, एक केला है और ये ठंडा चिल्ड दूध है और कुछ हम आइस क्यूब्स यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये एनर्जी पावर पैक ड्रिंक। तो हमने बनाना को छील लिया है और अब हम इसके पीसेस जो हैं करके इसमें डाल देंगे। आप मिक्सी के जार में या जो भी ब्लेंडर आपके पास है शेक बनाने के लिए, आप वो यूज कीजिए। मैं इसमें हाफ बनाना डाल रही हूँ क्योंकि 1 ग्लास मैं बना रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी अभी कुछ किशमिश, जो आपका नेचुरल स्वीटनर है। 7-8 किशमिश डाल रही हूँ। और ये मैंने लिए हैं बादाम, ये भी मैं 6 डाल रही हूँ। और इसके बाद डाल दूंगी मैं हनी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये पोस्ट वर्कआउट भी आप ले सकते हैं क्योंकि मैं इसमें चीनी यूज नहीं कर रही हूँ। और इसमें डालेंगे हम पहले थोड़ा सा मिल्क और इसको चलाएंगे, फिर हम बाद में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम दूसरा मिल्क डालेंगे। और ये देखिए, इस तरह से ये जब सारा मिक्स हो जाए अब हम इसमें डालेंगे ये बचा हुआ दूध और साथ में आइस क्यूब्स। तो देखिए, ये हमारा बनके शेक जो है वो तैयार है। अब हम ये ग्लास में सर्व करेंगे, इसमें डालेंगे हम आइस क्यूब्स और ऊपर से डालेंगे इसमें ये शेक। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगी, जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ड्रिंक है। तो आप जरूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसमें हम ऊपर केले के स्लाइस डाल देंगे 2-3, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता। और ये यमी सा लगने वाला शेक हमारा बनकर तैयार है। तो ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।